उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में महिला के धर्म परिवर्तन की कोशिश मौलवी पर भारी पड़ गई। दरअसल मौलवी ने दरगाह में महिला का धर्म परिवर्तन का प्रयास किया। इस दौरान झाड़फूंक की गई। महिला बीमारी के चलते मौलवी के पास गई थी। इस दौरान महिला ने बाद में मौलवी की चप्पल से पिटाई कर दी। महिला के विरोध के बाद हिंदू वादियों ने थाने में शिकायत दी है। तहरीर पर मौलवी इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी मौलवी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वही हिंदूवादी नेता संजू बजाज ने बताया है कि थाना दहली गेट इलाके में स्थित एक मस्जिद है, जिसके काफी समय से ये शिकायत मिल रही थी कि हिंदू महिलाओं को झाड़फूंक के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। देखिए, थाना दहली गेट क्षेत्र में एक किलाटगंज बाराद्वारी के पास में एक किलाटगंज क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर एक मस्जिद है जिसकी काफ़ी समय से ये शिकायत मिल रही थी कि वहाँ पर हिंदू महिलाओं को झाड़ फूंक और इलाज करने के बहाने बुलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। धर्म परिवर्तन के नाम पर उनको दबाव बनाकर उनको मुस्लिम धर्म में परिवर्तित किया जाता है, ऐसी सूचना लगातार मिल रही थी। तो आज हर्षद हिंदू और उसके साथ में कुछ कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि कुछ महिलाएं, दो चार महिलाएं थीं जिनको वो कलमा वलमा पढ़वा कर हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर रहे थे। जब मौलवी से पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि इनको कलमा पढ़वा के मुस्लिम बनाया जा रहा है। जब महिलाओं से पूछा गया तो उन महिलाओं ने कहा कि हमें तो ये इलाज के नाम पर यहाँ पर लेकर आए थे कि हम तुम्हारा इलाज करेंगे और पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, कि ये ठीक हो जाएगा, अल्लाह बहुत वो है, अल्लाह की रहमत बरसेगी, ऐसा कुछ करके इन्होंने हमसे कहा था। लेकिन हमें नहीं बताया कि ये हमारा धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और इस तरह की जब सूचना हमको मिली तो हमने तत्काल पुलिस को सूचना दी, उसके बाद में थाने पे आके तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। उक्त व्यक्ति जो था उसका नाम हाफिज इकबाल जो नाम का मौलवी है, वो अभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की। वहीं क्षेत्राधिकारी अक्षय कुमार पांडे ने बताया कि थाना दिल्ली गेट क्षेत्र में एक महिला मौलवी के पास भूत उतरवाने के लिए गई थी। महिला और मौलवी के बीच वाद विवाद हुआ, महिला हमलावर हो गई, इसी संदर्भ में आरोप लगाए गए। तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत करके मौलवी को हिरासत में ले लिया है और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना दिल्ली गेट क्षेत्र अंतर्गत एक महिला मौलाना के पास भूत प्रेत उतरवाने के लिए गई थी। मौलाना व महिला में वाद विवाद हुआ तथा मौलाना महिला के ऊपर हमलावर हो गए, जिस संबंध में महिला द्वारा कतिपय आरोप लगाए गए हैं। तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल धर्म परिवर्तन कराने वाले मौलवी को हिंदूवादी लोगों ने पकड़ रखा है। इतना ही नहीं, महिला चप्पलों से मौलवी की पिटाई भी कर रही है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अलीगढ़ से अर्जित की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।